ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बाउंटी इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कल यानी कि 11 दिसंबर की इंट्राडे वॉच लिस्ट देखेंगे। उसमें कौन से शेयर हमारे बाइंग के लिए होंगे, कौन से स्टॉक हमारे सेलिंग के लिए होंगे वो देखेंगे, और लॉजिक के साथ देखेंगे वो क्यों बाइंग में और क्यों सेलिंग में। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हम उसमें प्राइस एक्शन भी एड करने वाले। तो सिंपल सा तरीका, अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं हमारी वॉच लिस्ट के ऊपर। तो जो हमारी वॉच लिस्ट में पहला स्टॉक है वो है सेंचुरी टेक्स। अभी वो क्यों है, तो एक आपको क्या है कि छोटा सा आपको एक इसमें अप ट्रेंड देखने को मिला है। बाद में जो एक इसकी कल की कैंडल थी उसमें देखो, एक आपको क्या है कि शूटिंग स्टार जैसा देखने को मिला है। बाद में इसमें आज इस रेड कलर की कैंडल बना दी थी, उसका कंफर्मेशन हम बोल सकते हैं कि वो कंफर्मेशन भी इसने दे दिया। तो हो सकता है इधर से आपको एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ दिखे, और आपको एक अच्छी वॉल्यूम के साथ मिल रहा है, तो हो सकता है आपको एक डाउन ट्रेंड कल मिले, तो आप इसको लेके जाओ। अगर आपको कोई इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तब आप इसमें सेल कर सकते हो। अगर इसको मैं 15 मिनट पे देखा जाओ यार, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ना वो देखिए आप। तो देखो क्या हुआ कि कल की ही देख लेते, तो कल देखो मॉर्निंग में ही अप गया। बाद में देखो इस कैंडल को देखो, ये देखो ये सेलिंग वाली कैंडल है, मतलब इधर से बड़े लोग सेलर शायद एक्टिव हुए होंगे। तो इसके बाद आपको क्या है कि डाउन ट्रेड देखने को मिला, आज भी ये डाउन गया था, तो हो सकता है कल भी आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिले, शायद थोड़ा नहीं बहुत बड़ा भी देखने को मिले। तो आप इसको लेके जाओ, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कल तो आप इसे सेल साइड लेके जा सकते हो। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है अदानी पावर। अदानी पावर क्यों है, तो देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि वन डे पे अदानी पावर में आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिली है। अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि आज भी इसने डाउन साइड दिया था, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया, क्योंकि लिमिट होती है कोई भी स्टॉक की कि पूरा एक ही दिन में नहीं जाता। तो हो सकता है कल ये आपको डाउन ट्रेंड में ये ब्रेकआउट करके नीचे की साइड जाता हुआ दिखे, तो आप इसके लेके जाओ। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ, इसमें आपको एंट्री मिलते हैं, तब आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। तो जो दूसरा स्टॉक था वो हमारा था अदानी पावर। अगर अदानी पावर में आपको सेल साइड कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें सेल साइड जा सकते हो। बाद में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो देख लेते हैं। बाद में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक क्यों है, तो नॉर्मल सी बात है, आगे भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ कि एक्सिस बैंक में आपको डबल टॉप जैसी पैटर्न देखने को मिली है। जिस दिन मैंने बताया उसके दूसरे दिन ये आपको अपसाइड में मिल गया, तो आपको इसमें एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारी इसमें एंट्री हुई थी। हमारे एक क्लाइंट ने भी इसमें ट्रेड लिया था, उसको एक डाउन ट्रेंड मिला तो उसने ट्रेड लिया, उसको वहां कोई चार्ट पे ऐसा प्रॉपर डाउन ट्रेंड को इसमें एंट्री मिल गई होगी तो उसने वहां से लिया था। तो आपको भी अगर लर्निंग नहीं पता है तो लर्निंग कर लीजिए, अगर हमारे से करना चाहते हो तो हम भी क्या है कि लर्निंग करवाते, तो आप हमारा भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हो सकता है कल ये आपको क्या है कि इस जोन को ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखे, और प्रॉपर जो है डबल टॉप का ब्रेकआउट होने को दिखे, और आपको और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा एक्सिस बैंक है वो सेल साइड के लिए, अगर आपको इसमें सेल साइड एंट्री मिलती है तब आप इसमें सेल साइड एंट्री ले सकते हो। बाद में जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो है एलएनटी। अभी एलएनटी मेरे सेल लिस्ट में नहीं है, अभी एलएनटी है मेरे बाय लिस्ट में। पहले बता देता हूं ये मेरे बाय लिस्ट में, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसमें आपको जब प्रॉपर अप ट्रेंड का कंफर्मेशन मिले तब आप उसमें एंट्री लीजिएगा। अभी जो एलएनटी है वो अभी क्या है कि हाल फिलहाल मेरे को एक डिमांड जोन में दिख रहा है। अगर ये इसमें पूरी तरह से डिमांड आ गई तो आपको इधर से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है वो कल ही अप ट्रेंड देखने को मिले, क्योंकि ये अपने डिमांड जोन में आ चुका है, तो हो सकता है कल एक्टिव हो। और ये देखो ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन भी है वहां, तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में आपको इधर कल या परसों जब भी हो आपको एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ दिखे, तो आप इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखें। अगर आपको इसमें कोई अच्छी सी अप ट्रेंड देखने को मिलती है तब आप इसको बाय साइड लेके जा सकते हो। पहले ही बता देता हूँ ये थोड़ा रिस्की है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तभी आप इसमें बाय साइड एंट्री ले सकते हो। तो ये हो गई हमारी ओर से कल के लिए वॉच लिस्ट, एक बार फिर से देख लेते। जो हमारा सेंचुरी टेक्स है वो सेल के लिए, बाद में जो हमारा अदानी पावर है वो भी सेल के लिए, बाद में एक्सिस बैंक वो भी सेल के लिए, बाद में जो एलएनटी था लार्सन एंड टुब्रो वो हमारे बाय लिस्ट में। तो आपको जिस स्टॉक में आपको अगर सेल साइड लेके जा रहे हो, बाय वाले बाय साइड लेके जा रहे हो, तो आपको उसमें कोई कंफर्मेशन के साथ अपसाइड या डाउनसाइड मिले तभी आपको उसमें बाय या सेल करना है।
आप ऐसे ही नहीं होते कि बाय वाले बाय ले लिए, सेल वाले सेल ले लिए। जब आपको कंफर्मेशन या कोई ऐसा सिग्नल मिलता है ये ऊपर जा सकता है ये नीचे जा सकता है, तब आपको उसमें बाय या सेल करनी है। तो ये थी हमारी ओर से कल के लिए वॉच लिस्ट। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आके लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।